जनपद संभल में आज किसानों का धरना प्रदर्शन, किसानों ने दिया नारा, जो अधिकारी गुंडा उसके सिर पर किसानों का डंडा। दरअसल किसानों का अभी तक चीनी मिलें गन्ना भुगतान नहीं कर पाई हैं। किसानों का जनपद की चीनी मिलों पर आरोप है कि चीनी मिलें किसानों का लगभग 100 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान नहीं कर रही हैं और खुले में आवारा गोवंश पशु उनके खेतों में घुस जाते हैं, जिससे उन्हें रात रात भर जाकर किसानों को अपने खेतों में जमी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने गोवंश पशुओं के लिए कोई गौशाला नहीं बनवाई है। जनपद के गाँव में अभी चकबंदी नहीं हुई, अगर हुई है उसमें अधिकारियों ने कई लाख के घोटाले किए हैं। और इतना ही नहीं, जनपद के सीएमओ अजय कुमार सक्सेना पर फर्जी तरीके से एक शव का पीएम करवाने का आरोप लगाते हुए किसान इन सभी मुद्दों पर डीएम से कई बार शिकायत कर चुके थे, मगर किसानों की जनपद के अधिकारी और डीएम किसानों की कोई बात नहीं सुन रहे थे। इसी संबंध में आज किसान अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के सामने हाईवे जाम किया और धरने पर बैठ गए और घुसखोर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उन पर FIR दर्ज कर डीएम संबल से उनके निलंबन की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। ऐसा है, हमने 21 तारीख में स्वास्थ्य और चकबंदी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर करीब 7 सूत्रीय मांग ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था। हमने कही थी इन चीज़ों पर जांच होनी चाहिए आइए, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी अनदेखी की, किसी मामले पर जांच नहीं कराई। नंबर एक तो एक संसार की सबसे बड़ी घटना है संभल में, एक आदमी का पोस्टमार्टम हो जाता है, उसकी रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। एक गांव का मामला है जैसे धनारी थाने का जनपद संभल का ही, तो वो किसान की रिपोर्ट नहीं, उसकी FIR है, रिपोर्ट नहीं बनाई जाती, लेकिन CMO की संलिप्तता तो डॉक्टरों के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका निलंबन नहीं हुआ। दूसरी जिले के जिले में कुछ डॉक्टर हैं नौकरी कर रहे हैं, दूसरी जिले के जिले में नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर, वो लिख के दे दिया हमने। तीसरी बार बार सप्लायर दवाई की बोलिए, दवाई नकली सप्लायर कर रहे हैं, CMO को मोटी मिली भगत हो रहे हैं, बाबुओं का पूरा लूट का षड्यंत्र उन्हें ठेकेदारी हो रही है, मेडिकल के नाम पर फर्जी मेडिकल बनाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को जेल कटवाई जा रही है। तमाम मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। दूसरी चकबंदी का चार्ज है DDC का, ADM पे है, DM जिले के, PM का ये मामला था, PM का ये था कि एक आदमी का PM होता है, 3 डॉक्टर करते हैं, उसकी PM नहीं कर बिना करके उसे ऐसे ही सिलके और ऐसे ही भेज देते हैं उसके लिए, और कोई अभी विशेष कार्रवाई नहीं हुई उन पर। 302 का मुकदमा हो डॉक्टरों पर, CMO के खिलाफ डॉक्टर लिखे, हमारे DM शासन को लिखे कि बहुत भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य तंत्र बिल्कुल डूब गया, किसी अस्पताल में महिलाओं को खाना नहीं मिल रहा, डिलीवरी वालों को दूध नहीं मिल रहा, सब लूट हो रही है। हमने सब बातें DM साहब को बता दी, DM साहब शासन को लेकर CMO के खिलाफ जांच कमेटी बने शासन से, इसको तुरंत हटाने के लिए DM साहब लिखे, डॉक्टरों पे 302 का मुकदमा हो, फर्जी मेडिकल करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो, दबा के सप्लायरों के खिलाफ जो सप्लाई उनकी जाँच हो, बार बार वो नहीं क्यों मिल रहा है। दूसरी एक गाँव में चकबंदी को 22 साल हो गए, एक आदमी ने अपनी जमीन बेच भी दी, चक भी कटवा लिया, जोत भी रहा है, और जिनके चक कटने हैं वो घूम रहे हैं और उन पर पैसे नहीं हैं। करोड़ों का घोटाला गांव, एक दो गांवों, एक उधनपुर, एक सीसों ने डांडा, कम से कम 500 करोड़ का घोटाला हो चुका है। अगर ढंग से उसकी जांच हो जाए तो वो अधिकारी संबंधित कोई बचेगा नहीं, चकबंदी वाला ना स्वास्थ्य विभाग का बचेगा। प्रशासन से आवारा गायों की मांग है, आवारा गाय पूरा जीना हराम कर दिया, दिन भर काम करें, रात को लट्ठ लेके हमें खेत पर रहना पड़ता है। दूसरी रजपुरा मिल ने अपना गन्ना ना खरीद के, किसान तमाम गन्ना किसानों खड़ा है, किसानों का गन्ना नहीं बिक रहा, और वो प्रशासन से आवारा गायों की मांग है, आवारा गाय पूरा जीना हराम कर दिया, दिन भर काम करें, रात को लट्ठ लेके हमें खेत पर रहना पड़ता है। दूसरी रजपुरा मिल ने अपना गन्ना ना खरीद के, किसान तमाम गन्ना किसानों खड़ा है, किसानों का गन्ना नहीं बिक रहा, और वो बाहर का गन्ना खरीद रहे हैं, किसान अपने गेहूँ बोने खड़ा है। तो इन सब मांगों को लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। गन्ना बकाया भी है और बिजली व्यवस्था ये बिजली की कि रात में बिजली दे रहे हैं हमें, कि सिंचाई को तमाम एक एक फीडर पर 3 दिन बाद बिजली मिल रही है, वो भी 8-8 घंटे करके, अरे भाई रोज 2-10 घंटे। तो हमारी तमाम मांगे हैं, जब तक समाधान नहीं होगा हम अनिश्चितकाल आए। जिस गन्ना भुगतान तो कम से कम 100 करोड़ बकाया है सब मिलों पे, तीनों पे, इन लोगों से बीच प्रशासन तंत्र से हम फेल हो चुके हैं और प्रशासन यहाँ का बिल्कुल लूजर हो चुका है। प्रशासन हर मामले में नहीं उठते, मजबूरी में हमें आना पड़ा, देखा आज कई हज़ार किसान हैं और ये एक शिफ्ट है,
हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, मोदी जी ने हमें आंदोलन करना सिखा दिया, दिल्ली की तरह आंदोलन चलाएंगे, समस्याओं के समाधान तक हेरेंगे। सीएमओ हटना चाहिए और उसकी विभागीय जांच होकर उसे जेल जाना चाहिए, चकबंदी की जांच हो, चकबंदी संबंधित अधिकारी जेल जाने चाहिए।